जोनल हॉकी टूर्नामेंट सीबीएसई का है अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में। और रिगार्डिंग टर्फ, ये 70 साल का सूखा यहाँ खत्म हुआ है सर, बहुत अवेटेड था ये। इसकी लागत लगभग 5.5 करोड़ रुपए आई है और डीएवी स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर ने ये जिम्मा लिया, सीबीएसई ने हमें दिया है और हमने ये टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन उसी टूर्नामेंट से किया है, इंटरजोनल हॉकी टूर्नामेंट। तकरीबन कितनी टीमें हैं सर जो आ रही है? इसमें 9 टीमें गर्ल्स बॉयज कैटेगरी में है और 8 टीमें गर्ल्स कैटेगरी में आई है और इसकी जो टीम क्वालिफाई करेगी वो नेशनल के लिए जाएगी। कहाँ कहाँ से है सर टीम? सर यहाँ दिल्ली, एनसीआर, वेस्टर्न यूपी एंड उत्तराखंड, ये पूरा जोन है। अब सर अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ को एक नई पहचान मिलेगी इस चीज? सर मेरठ को इतना फायदा होगा कि जिस आप बिना टर्फ के, हम लोगों ने इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं सर, प्रमोद बाटला, एमपी सिंह, रोमियो जेम्स, प्रवीण शर्मा, अनगिनत प्लेयर दिए हैं और एक टाइम तो 9 प्लेयर इंडिया टीम में बीए इंटर कॉलेज के हुआ करते थे और अब ये टर्फ आ गया तो आप देखिएगा, मुझे लगता है ईश्वर ने चाहा तो एक साल में यह फर्क देखिएगा। क्या सर नेशनल इंटरनेशनल मैच भी हो पाएंगे? अब यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम कोई भी टूर्नामेंट नेशनल और इंटरनेशनल मैच करा सकते हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मंचा है और मैं विद्यावती स्कूल से हूँ। मंचा, ये जो पहले आप इस ग्रास ग्राउंड में खेलते थे अब ग्राउंड में खेल रहे हो, क्या डिफरेंस है और क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पे ग्रासेस लेवल सेम ही होता है, इसको ड्रॉप है, वहाँ पे ग्रासेस कभी इंक्रीज होती है कभी खत्म होती है, तो एक्चुअली यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है इंक्रीज होते थे जिससे जो प्लेयर होता है जो भाग रहा होता है ना उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कि वो इजिली बॉल ड्रॉप कर पाए, इजिली अपनी स्पीड कम कर पाए, ये डिफरेंस है। अब कैसा लग रहा है इस फील्ड पे खेल? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, एक अच्छा ग्राउंड मिलना एक प्लेयर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि हम लोग अपनी स्किल्स पे और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। कहाँ तक खेलेंगे अब इस फील्ड में, अगर आपको खेलने को मिल रहा है तो आप कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमें लेके जाया जाएगा वहाँ तक। क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा। दीक्षा, कैसा लग रहा है आपको अब नए ग्राउंड में खेल के? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पहले उधर हमें बॉल सही से रुकती नहीं थी, हमें उसको अच्छे से बैलेंस करना पड़ता था, लेकिन इस पे अब ऐसा नहीं लगता, अब हम इसको इजीली रोक पाते हैं, इजीली इस पे हम अपनी बॉल को चला सकते हैं, सब चीजें स्मूथ चलती है। क्या नाम बेटा आपका? सुकन्या सुशोभा। सुकन्या, आप बताओ दोनों में थोड़ा सा फर्क बताओ। ग्रास में खेलते हैं तो रफ होती है तो हम अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, बट एस्ट्रो रफ में हम इतनी स्मूथली और एकदम परफेक्टली खेल पाते हैं।